द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स इन यंग्स डब्ल्यू स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1। इसका मतलब क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, इसका मतलब हमें गिवन है W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू 4:1, ये हमारे पास गिवन है। एवेलुएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखिए हमें क्या निकलना है, हमें मैक्सिमा यानी आई मैक्सिमम और मिनिमा मतलब आई मिनिमम, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब देखो फॉर्मूला याद कीजिएगा आप, आई मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर और आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ से देखेंगे कि अगर मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालने के लिए ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो कैसे पता करेंगे, अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है W1 बाई W2 इज इक्वल टू आपको गिवन है 4:1। एक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्या है W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू होता है I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। W1 W2 विड्थ है, I1 I2 इंटेंसिटीज है और आपको पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो जो विड्थ है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इस प्रकार से इंटरलेटेड होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर और यहाँ से हमें ए अपॉन बी इज इक्वल टू मिलेगा 4:1 और ए इज इक्वल टू मिलेगा 2b। यानी ए को अगर मैं 2b रख दूँ इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। यहाँ वो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू, ए को मैं 2b लिख सकता हूँ तो 2b प्लस बी कितना हो जाएगा 3b और डिवाइड बाई 2b माइनस बी डिवाइड हो जाएगा b और इसका स्क्वायर b कैंसिल b दैट इज इक्वल टू 9:1। तो 9:1 ये आ जाएगा। ओके।